बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, काजी फायज ईजा साहब की अदालत से जो भी फैसला सामने आता है उससे ऐसे ही एक सेंस डेवलप होती है जैसे नून लीग को सपोर्ट किया जा रहा है और पीटीआई या इमरान खान को कॉर्नर किया जा रहा है। आज जो हुक्मनामा उनकी तरफ से जारी किया गया फैजाबाद धरना केस में, उसको आप पढ़ें तो उसमें भी ये चीज कही गई है कि फैजाबाद धरना केस पर जो ये इंसिडेंट हुआ था, 5 साल हो गए, अगर रियासत को इकदाम करती, ऐसे वाकयात को रोकने के लिए कुछ करती तो 9 मई का वाकया ना होता। भाई कैसे 9 मई का वाकया ना होता? उन हालात में, इन हालात में बहुत फर्क है। वो एक हलफनामे के खिलाफ आए थे, यहाँ अभी तक तहकीकात नहीं हुई, ये इनके पीछे था कौन, इनका जिम्मेदार कौन है, किसने इग्नाइट किया, किसने इसको एग्जीक्यूट किया, फैसिलिटेट किसने किया, ये तो भी सारी तहकीकात होना बाकी है, तो फैसला कैसे सादर कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा बड़ा वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ, उनका एक अपना एजेंडा है और ये एजेंडा जब से वो तैनात हुए हैं तब से नहीं बल्कि गुज़श्ता 2 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो 2 साल पहले यानी 2021 में भी हमें इस तरह के हालात व वाक़यात देखने को मिलते हैं जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ कुछ ऐसे इकदाम किए गए, कुछ ऐसे मुकदमात सुने गए या कुछ ऐसे आर्डर दिए गए जिससे ये वाज़े तौर पर यह तासर मिलता है कि वो एक जानबदारी का इजहार करते हुए एक सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। और अब आप देखें कि जब गुज़श्ता दिनों 90 रोज में आम इंतखाबात करवाने का केस चल रहा था तो उस केस की समाअत के दौरान इन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल यानी 3 अप्रैल 2022 को सदर पाकिस्तान की जानिब से जो असम्बली तहलील की गई थी वो गलत थी, वज़ीर आज़म ने अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया था। तो देखें कि ये इलेक्शन वाला मैटर था, उसके अंदर वो ले के चले गए उसको अदम एतमाद वाले मामले के साथ, और अगर वो उन्होंने कोई चीज़ रिलेट भी करनी थी तो फिर वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला उसके साथ रिलेट करते और फिर उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते थे कि देखें जी, इन दोनों जो वाक़यात हैं या दोनों केसेज हैं इनका आपस में किसी किस्म का कोई मुवाजना बनता है। लेकिन अब देखें कि चूंकि वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर आरिफ अलवी दोनों पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये समझते हैं कि इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी वो दो शख्सियात हैं जिन्होंने उनको ओहदे से हटाने के लिए सदारती रेफरेंस भिजवाया था, तो वो अभी तक उनके दिल में वो रंजिश है, वो खार है, वो अनाद, जाती अनाद उनका वो बरकरार है इमरान खान और सदर आरिफ अलवी के खिलाफ, और उसी की झलक हमें मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ मुकदमात के दौरान देखने को मिलती है। अगर जो फैजाबाद धरना था उसको अगर इन्होंने रिलेट भी करना था तो फिर ये करते ना उसके साथ जो मॉडल टाउन में मजलूम लोगों का कत्लेआम हुआ था, और अगर इन्होंने रिलेट करना था तो फिर जो 2021 में टीएलपी ने लाहौर में एक और धरना दिया था जिसके अंदर तकरीबन कोई 8 से 10 के करीब पुलिस एहलकारों को भी मारा गया था, कत्ल किया गया था, तो उन्होंने अगर रिलेट करना तो फिर ये उसके साथ रिलेट करते। और बहुत सारे ऐसे हालात और वाकयात हैं जहाँ पर मुख्तलिफ मकासद के लिए ये काम किए गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो अभी तक फैजाबाद धरने की कोई ऐसी इंक्वायरी हुई है जिससे उसके जिम्मेदारों का तय्यन किया जाता, और फिर ये भी सवाल उठना चाहिए, ये भी सवाल होना चाहिए कि वो धरना किया क्यों गया था, उसकी वजूहात क्या थी, उसके मुहरकात क्या थे। तो वो जब आप उसके मुहरकात में जाएंगे तो फिर आपको खुरान मुस्लिम लीग नून की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, फिर आप देखें कि 9 मई के वाकयात क्यों हुए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीजों को रिलेट करना चाहते हैं तो फिर ये भी तो देखें ना कि 9 मई की बुनियाद क्या थी, एक साबिक वजीर आजम को अहाता अदालत के अंदर से गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया इंतहाई तजहीक आमेज और तोहीन आमेज तरीके से, और उसके ऊपर जब उनके कारकुनों की जानिब से रद्द अमल दिया गया तो फिर उनको कहा गया कि ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं, उनके खिलाफ बगावत, दहशतगर्दी और दीगर संगीन जराइम के मुकदमात बनाए गए। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जिससे 9 मई के वाकयात का आगाज हुआ, वो गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने ही कलअदम करार दी और कहा कि वो गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, तो फिर ये गैर कानूनी जब हो चुकी थी तो फिर उसकी जो दीगर मुहरकात थे फिर उसकी भी छानबीन होनी चाहिए थी,
फिर ये गिरफ्तारी करने वाले कौन थे उनका तयन भी होना चाहिए था, वो गिरफ्तारी के अहकाम किसने दिए उसका भी तयन होना चाहिए था। सेक्रेटरी दाखिला साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज करवा दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त नैब किसकी अथॉरिटी में था? जो नैब के वकील थे उन्होंने अदालत में सुप्रीम कोर्ट में ये बताया था कि नैब ने तो वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, उस पर अमल दरामद करवाया था रेंजर्स ने और वजारत दाखिला ने, तो फिर क्या चीफ जस्टिस साहब रेंजर्स और वजारत दाखिला के उन हुकाम को भी तलब करेंगे, उनको भी कसूरवार ठहराएंगे जिनके इस गैर जिम्मेदाराना इकदाम की वजह से एक साबिक वजीर आजम के साथ ये तौहीन आमेज सलूक किया गया और उसकी वजह से मुल्क एक बार फिर इंतशार का शिकार हुआ? तो काजी साहब यकतरफा ना खेलें, ये अगर इनका कोई सियासी एजेंडा है इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ या सदर आरिफ अलवी के खिलाफ, तो उसके लिए इनके पास और फोरम्स मौजूद हैं, और वैसे भी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, इनको गैर जानिबदार होकर अदल और इंसाफ अवाम को फराहम करना है, और अगर ये इस तरह अपने दिल में किसी के लिए जाती अनाद रंजिश या किसी किस्म की कोई पुरखाश रखते हैं तो फिर उसके बाद इनकी उस कंडक्ट के ऊपर भी सवालात उठेंगे कि क्या ये जो इंसाफ फराहम कर रहे हैं ये आईन और कानून के मुताबिक है या नहीं है, या कहीं ये अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके अपना कोई जाती स्कोर सेटल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो हमें अब तक जो चीजें नजर आ रही हैं वो तो हमें ये इसी तरफ जाती हुई नजर आती हैं कि चीफ जस्टिस साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जाए, उनको टारगेट करने के मुख्तलिफ तरीके देखे जा रहे हैं। और आप देखें कि पीटीआई के जो भी माजी में उनकी सियासी हिकमत अमली रही है, चीफ जस्टिस साहब उनके सियासी फैसलों को अपने अदालती फैसलों का हिस्सा बनाकर उनको डॉक्यूमेंटेड शेप में उनको ला रहे हैं। और आप देखें कि ना 9 मई के वाकयात की तहकीकात हुई, ना अदम एतमाद की वजूहात क्या थी, वो साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको साजिश कहते थे वो साजिश क्या थी उसकी तहकीकात नहीं हुई, साइफर की आज तक तहकीकात नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में 3 दरखास्तें आई तो यही चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब थे जिन्होंने चैम्बर में उनकी समाअत की और उन दरखास्तों की तहकीकात के लिए आर्डर जारी करने से इनकार कर दिया। 21 को नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं हाई कोर्ट में और 22 को खान खान का केस है सुप्रीम कोर्ट में। देखें नवाज शरीफ साहब का जिस तरीके से रिलीफ रियासत उनको दे रही है, मुक्तदर हलके उनको रिलीफ फ्राहम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए बतौर इदारा भी ये इंतहाई बदनामी और कलंक का एक टीका साबित होगा। और देखें कि हम माजी में हमारे जज साहबान जो हैं ये मुख्तलिफ मुकदमात का हवाला देते हैं कि ये मुकदमात पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक स्याह बाब के तौर पर याद रखे जाएंगे, तो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों का जो कंडक्ट है ख़ास तौर पे 9 मई के वाकयात के बाद जिस तरह अदल व इंसाफ का कत्लेआम किया गया है, जिस तरीके से सियासी कारकुनों को इंसाफ से महरूम रखा गया, उनके मुकदमात सुनने से इनकार किया गया, उनकी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न की गई, जजेस उनको इंसाफ फराहम ना कर सके, अपने फैसलों पर अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना करवा सके और अदालतों में टसवे बहाते रहे रोते रहे कि हम तो बेख्तियार हो चुके हैं, तो ये देखें कि अगर आप इतने ही बेख्तियार हैं तो फिर या तो आप इस्तीफा दे जाते या आप अपने अहकामात को हर सूरत उनके ऊपर अमल दरामद करवाते। तो अगर आपने अमल दरामद भी नहीं करवाया, आपने इस्तीफा भी नहीं दिया, तो फिर आप दोगले और बददियानत हैं और आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ वो तनख्वाहें और बरात वसूल करना है। आपको ना आवाम की फिक्र है, ना अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, ना आपको आईन और कानून का कोई लिहाज और पास है, आप सिर्फ वो भारी तनख्वाहें वसूल करना चाहते हैं और वो मरात वसूल करना चाहते हैं जो सर्विस के दौरान भी और रिटायरमेंट के बाद भी आपको मिलेंगी। तो ये देखें कि नवाज शरीफ साहब का जो इंसाफ है वो तो पाकिस्तानी अवाम देख ही रही है, और दूसरी जानब इमरान खान साहब का केस 22 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, लेकिन अलमिया ये है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की अदालत में लगा है और बड़े जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं और आयशा मलिक साहब हैं। जी जी ये भी मैंने आपको आपके ट्वीट पर लिख दिया कि 2-1 से आएगा।
जी, ये भी 2-1 का ही बिल्कुल तनासुब बनता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस याहिया अफरीदी, ये दोनों हम ख्याल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, ये उनके मुखालिफ, इनको आप कह लें कि ये उनके मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं। तो देखे ना, बड़ी मजका खेज बात है कि यही लोग, यही जज साहबान और इनके जो हामी दोस्त थे, ये बेंचेस की तश्कील के ऊपर एतराज किया करते थे और ये कहते थे कि बेंचेस को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि फैसला क्या आएगा। तो फिर काजी साहब, अब आप जो कर रहे हैं, क्या यहाँ आपके बनाए हुए बेंचेस से ये देखकर अंदाजा नहीं होता कि इस केस का फैसला क्या आएगा? तो मुझे तो यही लगता है कि इम्कान बहुत कम है कि इमरान खान साहब को जमानत मिले। उसकी वजह यह है कि यही सरदार तारिक मसूद साहब थे जो चौधरी परवेज इलाही और असद कैसर के मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट और पिशावर हाई कोर्ट के कंडक्ट के ऊपर संगीन सवालात उठा चुके हैं और उनकी सरजनिश कर चुके हैं। और जस्टिस याहिया अफरीदी वो जज हैं जो क्वेटा वकील कत्ल केस में इमरान खान के केस की 3-4 समातें की उन्होंने, और उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि वो उस केस से जान छुड़ाएं और उनको वो केस ना सुनना पड़े। तो ये सर चीजें छुपी ढकी छुपी नहीं है, ये बिल्कुल वाजे है, रोज़े रोशन की तरह ये चीजें वाजे हैं। और 2-1 का ये तनासुब मुझे तो नजर आ रहा है। और देखें कि ये जज साहबान फिर वही अपना जो इनका जाती स्कोर है वो सेटल करते हैं, या आईन और कानून के मुताबिक केस की समाप्त करते हुए इंसाफ करते सही। हैं। ये तो अब 22 नवंबर चल, को ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सईद ब्रो साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।